आज तक आपने अनेकों सरफिरे आशिक देखे होंगे, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी एक लड़की को अपने साथ रखने के लिए उसके हाथ पैर तक काट सकता है? जहां हमारे लिए ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है, वहीं आज के हमारे हीरो ने अपनी क्रश के हाथ पैर काट डाले ताकि वो उसे छोड़कर कहीं जा ना सके और न ही वो किसी और से बात कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक कहानी और जानते हैं कैसे चीजों की शुरुआत हुई और क्या इनका नतीजा निकला। कहानी की शुरुआत एक छोटे से रिकैप से होती है। पार्टी में घूम रहे इस बच्चे का नाम निक है। यहाँ पार्टी में मस्ती के दौरान निक ने अपनी माँ को किसी गैर मर्द के साथ रंगरेलिया मनाते हुए देख लिया और उसे पता चला कि उसकी माँ उसके पिता के अलावा और भी कई मर्दों से संबंध रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। निक बड़ा होकर एक मशहूर डॉक्टर बन चुका है। अब उसकी माँ तो चल बसी, लेकिन जाते जाते वो निक को ये आलीशान महल जैसा घर दे गई, जिसमें अब निक और उसकी वाइफ एनी रहते हैं। एनी वैसे हॉस्पिटल में निक की असिस्टेंट भी है। रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद रात को निक अपने दोस्त डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। क्लब में निक को हेलेना नाम की एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसने निक को देखकर भी मानो अनसुना कर दिया। ये देख निक का मूड ऑफ हो गया और वो घर चला गया। दरअसल हेलेना और निक ने एक बार साथ में पार्टी की और शारीरिक संबंध भी बनाए, लेकिन इसके बाद हेलेना ने कभी निक को भाव नहीं दिए, क्योंकि उसका मानना था कि निक एक असली मर्द नहीं है, वो काफी कमजोर है। लेकिन निक आज भी हेलेना से बहुत प्यार करता है और उसके सामने अपनी मर्दानगी भी साबित करना चाहता है, इसलिए जनाब आज भी उसके इंतजार में बैठे हैं। अब घर आने के बाद निक अपनी वाइफ के साथ डिनर करता है और जॉगिंग करने निकल जाता है। इसी दौरान रास्ते में उसने हेलेना के घर के बाहर एक कार देखी और जनाब एक पेड़ पर चढ़कर घर में नोकझोंक करने लगे। निक को ड्रिंक का लुत्फ उठा रही हेलेना दिखाई देती है। वो उसे देखकर एंजॉय कर ही रहा था कि तभी हेलेना के पास रेनाम का एक लड़का आया और हेलेना उसके साथ रोमांस करने लग गई। ये नजारा देख निक का दिल टुकड़ों में बिखर गया और जनाब पूरा सीन देखे बगैर ही सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगे। अंदर हेलेना अब भी उस लड़के के साथ लगी हुई थी। निक ने काफी देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद एक पीसीओ पर जाकर अपने दोस्त लॉरेंस से बात करने लगा। निक लॉरेंस से बताता है कि मैं हेलेना के साथ बिताई हुई वो रात भुला नहीं पा रहा हूँ और वो किसी और के साथ लगी हुई है, मुझे कैसे भी करके वो वापस चाहिए। इस पर लॉरेंस उससे कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की बजाय अपनी बीवी एनी के बारे में सोचना चाहिए। निक ने उसे तो ठीक बोला, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। फोन काटने के बाद वो सीधे एक बुके शॉप पर गया और हेलेना को एक लेटर लिखने लगा। निक ने हेलेना को अपने घर पार्टी पर इन्वाइट किया और कहा कि आज रात को अकेली फील कर रही हो तो मेरे घर जरूर आना। इधर निक की बीवी एनी उसका केक काटने को इंतजार कर रही थी, लेकिन निक घर जाने की बजाय हेलेना के घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया ताकि वो उसे एक झलक देख सके और लेटर दे सके। अब यहाँ इंतजार करते करते हेलेना तो नहीं आई, लेकिन निक को नींद जरूर आ गई। कुछ देर बाद जब निक की आंख खुली तो उसे घर पर वेट कर रही एनी का ख्याल आता है और वो फौरन घर रवाना हो जाता है। लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक एनी सो चुकी थी, लेकिन निक को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और उसने फोन लेकर हेलेना को घंटी घुमा दी। अब चूंकि हेलेना अब भी रे के साथ रोमांस में बिजी थी तो उसने कॉल पिक नहीं किया, लेकिन निक ने उसे बार बार कॉल करना जारी रखा और अंत में हेलेना ने फोन उठाने का फैसला लिया। अब कॉल पर अजीबोगरीब आवाजें और सन्नाटा सुनकर निक को समझ आ गया कि वहां क्या चल रहा है। अब निक की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और जनाब ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर रे हेलेना को कुछ ज्यादा खुश नहीं कर पाया तो दोनों के बीच बहस छिड़ गई, जिसके चलते दोनों ने रोमांस बीच में ही छोड़ दिया और रे अपने घर लौट गया। अगले दिन निक हेलेना के घर जाकर उसे अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करता है और वापस लौट जाता है। शाम को पार्टी शुरू हुई और निक के घर काफी सारे गेस्ट्स पहुंच गए, लेकिन को तो हेलेना का इंतजार था जो कि अभी तक यहां पहुंची नहीं थी। कुछ देर बाद हेलेना पार्टी में पहुंची और निक ने उसे वेलकम किया। यहां हेलेना उससे पूछती है कि ये घर तुम्हारा है? इस पर निक कहता है कि हाँ, ये मुझे विरासत में मिला था। इसके बाद हेलेना पार्टी एंजॉय करने लग गई और रसेल नाम के एक गेस्ट ने निक से हेलेना के बारे में पूछा और सीधा उससे फ्लर्ट करने पहुंच गया। कुछ देर बाद हेलेना ने रसेल को अपनी ड्रेस थमाई और सरेआम पूल में नहाने लगी। हेलेना की खूबसूरती का ये नजारा देख निक स्तब्ध था। अब निक के ऐसे रिएक्शंस देख एनी को उस पर शक हुआ और वो उससे पूछने लगी कि तुम हेलेना को इतना क्यों घूर रहे हो? अब निक ने उसे सही जवाब देने की बजाय उल्टा जवाब दिया, जिसके चलते एनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। अगले दिन सुबह हेलेना निक को फोन करती है और कहती है कि मुझे अभी मेक्सिको निकलना है और मेरा पर्स तुम्हारे घर पर ही रह गया है, क्या तुम एयरपोर्ट पर मेरा पर्स देने आओगे? निक ने उसे हाँ बोली
और फौरन उसका पर्स लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर हेलेना उससे खुश होने की बजाय और ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि इसमें से उसका पासपोर्ट गायब था। इस पर निक भोला बनकर उससे कहता है कि शायद मेरे घर में कहीं गिर गया होगा, तुम मेरे साथ चलो, हम फटाफट पासपोर्ट लेकर वापस एयरपोर्ट आ जाएंगे। हेलेना उसके साथ घर चलने को राजी हो गई, लेकिन घर पहुंचकर जब उसने पाया कि उसका पासपोर्ट डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा था और इसे निक ने जानबूझकर गायब किया था, तो वो भड़क गई और अकेले ही जाने लगी। जाते जाते हेलेना निक को खरी खोटी सुनाते हुए सड़क के बीच पहुंच गई, जिसके चलते एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। अब कुछ दिन स्किप होते हैं और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में निक के साथ ही डॉक्टर्स बातें करते हैं कि निक अचानक से कहां चला गया। न तो उसने जॉब से रिजाइन किया और न ही वो कहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद निक का एक साथी डॉक्टर चुपके से उसके घर पहुंचता है। यहां उसे निक मिल जाता है और दोनों आपस में बातचीत भी करते हैं। लेकिन इसी बीच इस शख्स ने एक कमरे से आवाज सुनी और चेक करने अंदर चला गया। यहां उसने जो नजारा देखा वो देखकर उसकी आंखें फट गई। वैसे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे मौजूद लाइक बटन जरूर दबाएगा। हाँ, तो निक के साथी ने रूम में कैद हेलेना को देखा, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे और वो उदास सी शक्ल के साथ एक बेड पर बैठी थी। निक ने उससे चुप रहने के लिए कहा और इसके बदले में हॉस्पिटल में उसे अपनी पोजीशन देने की बात कही। निक के ऑफर में ये शख्स मान गया और चुपचाप वापस लौट गया। इसके बाद निक हेलेना के पास जाता है, जिसे अभी भी कुछ नहीं पता था कि उसके साथ एक्सीडेंट के बाद असल में हुआ क्या था। निक उसके साथ बड़े ही प्यार से बातचीत करता है, उसके लिए एक शानदार व्हीलचेयर लेकर आता है। लेकिन हेलेना को अपनी हालत देखकर सिर्फ गुस्सा ही आ रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि ये सब निक की ही वजह से हुआ था। वो निक की ही वजह से एयरपोर्ट छोड़कर घर आई और उसी की वजह से सड़क के बीच में पहुंची। निक हेलेना गुस्सा हर तरह से सहन कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हेलेना ने उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद निक का दोस्त लॉरेंस उससे मिलने घर आता है, लेकिन निक ने दरवाजा नहीं खोला और लॉरेंस वापस लौट गया। अब धीरे धीरे हेलेना ने अपनी व्हीलचेयर पर निक के घर में घूमना शुरू कर दिया और उसे शक होने लगा कि निक ने ये सब जानबूझकर ही किया है। वो निक से कहने लगी कि मैंने तुम्हारे जितना कायर इंसान आज तक नहीं देखा, तुम जैसे नामर्द के साथ बिताई हुई वो रात मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। दूसरी तरफ हेलेना का बॉयफ्रेंड रे काफी समय से उसे ढूंढ रहा था। इसी दौरान एक दिन निक की बीवी एनी उससे माफी मांगने घर पहुंच जाती है। निक ने उसे देखते ही हेलेना का मुंह बांधा और उसे छिपाना शुरू कर दिया, क्योंकि एनी के पास भी घर की एक चाबी थी। काफी मेहनत के बाद निक हेलेना को छिपाने में सफल हुआ ही था कि तभी एनी घर में घुस आई। एनी घर में आते ही निक उसे गले लगाता है और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया। हेलेना ये सब देख रही थी। जब निक का काम खत्म हुआ तो उसने एनी से लड़ाई शुरू कर दी और एनी एक बार फिर से गुस्सा होकर चली गई। यहाँ दरवाजे पर खड़ा निक देखता है कि हेलेना का बॉयफ्रेंड रे उसके घर में नोकझोंक कर रहा है। दरअसल रे को निक पर शक था कि उसने ही हेलेना को गायब किया है। अब रे का शक मिटाने के लिए निक ने हेलेना के घर एक लव लेटर लिखकर बुके के साथ भिजवा दिया, जिसे रे ने देखा और उसका ध्यान निक के घर से थोड़ा घूमने लगा। निक भी हेलेना की बरोबर देखभाल करने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद एक बगैर हाथ वाली मूर्ति देखकर निक के दिमाग में आइडिया आता है कि हेलेना भी अगर इसकी तरह बिना हाथ के होती तो थोड़ी ज्यादा सुंदर लगती। आपको जानकर हैरत होगी कि निक ने सिर्फ इसलिए हेलेना के हाथ भी काट दिए क्योंकि वो मूर्ति बिना हाथों के सुंदर दिख रही थी। हेलेना अब मानो पूरी तरह से हार चुकी थी। वो अधमरी हालत में निक के हाथों से खाना पीना और अपने सभी काम करवाने लगी। इसके बाद निक एक नाइट गर्ल को अपने घर बुलाता है और हेलेना से कहता है कि तुम्हें लगता है ना मैं मर्द नहीं हूँ, इसी बात को साबित करने के लिए आज मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने वाला हूँ, गौर से देखना। इस नाइट गर्ल से संबंध बनाने के बाद निक हेलेना के साथ टाइम स्पेंड करने आ जाता है। इसके बाद निक ने अपने करीबी स्टोर से हेलेना की फेवरेट ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑर्डर किए। अब चूंकि इस स्टोर ऑनर के पास हेलेना का बॉयफ्रेंड रे उसे ढूंढते हुए आया था और उसने इसे हेलेना के गुमशुदा होने की बात भी बताई थी, स्टोर ऑनर ने फौरन रे को फोन लगाया और बताया कि मुझे निक पर शक हो रहा है क्योंकि आज उसने जो ऑर्डर लिखवाया है वो ऑर्डर तो सिर्फ हेलेना का ही होता है, निक ने ऐसा ऑर्डर मुझे कभी नहीं लिखवाया। ये सुनते ही रे निक के घर पहुंच गया और सीधे उसके रूम में पहुंच गया। अंदर पहुंचकर जब उसने हेलेना की हालत देखी तो बेचारे के होश उड़ गए। रे ने निक की धुनाई शुरू की और निक पर वही हाथ कटी हुई मूर्ति गिर गई। इसके बाद निक की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां डॉक्टर्स के बीच मस्त नींद ले रहे निक को पता चलता है कि अब तक उसने जो देखा
वो महज एक सपना था। हेलेना असल में उसके पास वाले रूम में एडमिट है और रोड एक्सीडेंट में उसका सिर्फ एक पैर फ्रैक्चर हुआ है। तो ये थी आज की रोमांचक स्टोरी। आपके इस पर क्या विचार है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि मूवी का नाम था बॉक्सिंग हेलेना, जो कि 1993 के दौरान रिलीज हुई। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल की अन्य वीडियोस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।